मेरी ड्राइंग रूम साफ करके दिखा रही हूँ। मैं ये कैसे क्लीन करती हूँ, वीकली मैं ये कर लेती हूँ। इसके लिए मैं जो सामान यूज करती हूँ वो है डेटॉल, और ये जो स्प्रे है इससे मैं वुड फर्नीचर क्लीन करती हूँ। वुड फर्नीचर क्लीन करने के लिए मैं यूज करती हूँ ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल को मैंने स्प्रे बटल में डाल लिया, ये यूज करने में अच्छा होता है। और ये जो कॉलिन देख रहे हैं ये मैंने घर में खुद बनाया है। ये कैसे बनाई हूँ मैं एक वीडियो करके आप लोगों को दे दूंगी। और ये जो ऑलिव ऑयल है ये ऑलिव ऑयल फर्नीचर को बहुत अच्छे रखते हैं और ग्लेज भी लाते हैं बहुत। मेरा जो फर्नीचर है ये तो 10 इयर्स 12 इयर्स पुराना है, लेकिन इसका चमक देखिए, चमक ऑलिव ऑयल से ही होता है। ये मैंने शर्ट देके बनाया है, एक पुराना जो ओल्ड शर्ट है मेरे हस्बैंड का, उसको देके मैंने ये बनाए थे। इसका भी एक वीडियो मैं दे दूंगी। ये जो कुशन भी है ना ये भी मैंने बनाया है, मैं सिर्फ वो सिंथेटिक कटन लाती हूँ, सिंथेटिक जो इसमें डालती हूँ वो सिंथेटिक होता है। ये बनाना भी आसान है और इसको डालना भी बहुत ही आसान हो जाता है। और ये सिर्फ व्हाइट कुशन मेरे दीदी ने भेजा था रायपुर से, उसमें मैं ये छोटा छोटा फैब्रिक करके डाल दी। पूरा व्हाइट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने ये फैब्रिक कर दिया। एक कुशन भी मैंने बनाया, ये ओल्ड जो कुशन कवर होते हैं ना उसमें मैंने ये सिर्फ कटन डाल दिए इसके अंदर, बस वो हो जाता है। जो पुराना
कुशन कवर होता है उसमें डाल देती हूँ कटर। एक डॉल को मैंने मेरा छोटी बेटी का एक छोटा ड्रेस था वो पहना दिए। Thank you.
को, ये बहुत ही पुराना डॉल था, ये बहुत ही पुराना डॉल था, इसके लिए मैंने एक छोटा फ्रॉक बना लिए क्यूट सा। और ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये सब मैंने क्लीन कर लिया है।